शिवराज सरकार ने होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को भी पुलिस की तरह ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता मिलेगा। वहीं उन्होंने महंगाई और वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ को घेरा। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, आप सुनिए। हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, एसडीआरएफ के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, एसडीआरएफ के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। कोरोना का नहीं मालूम उनको, एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहां नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए, जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है, दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। ये नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं सर। 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का, मैं अंदर लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है वो अब महंगाई पे बात कर रही है, ना अचंभे वाली बात। जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5 है, बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में है। ऐसे 17 हैं, अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए।